हाय गाइस, मैं हूँ नीलम सरोज और फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मॉस्किटो रेपेलेंट्स कुछ प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो कि भयानक कीटाणुओं से और मच्छरों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप लगाकर अपनी फैमिली को मच्छरों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। देखने के बाद लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद जो बेल आती है वहाँ पर भी क्लिक करें। इस तरह से आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स प्लांट्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो कि हमारे आस पास में आसानी से उपलब्ध होता है, इस पौधे को आप अपनी खिड़की, बालकनी या गेट के आसपास लगा सकते हैं। इससे आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे क्योंकि इसकी खुशबू मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और साथ ही साथ इससे आपको ताज़े फूल भी उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा पौधा है दोस्तों तुलसी का। तुलसी की खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। तुलसी हमारे वातावरण को शुद्ध करने की बहुत ही अच्छी क्षमता रखती है। साथ ही साथ ये कीटाणुओं को भी दूर भगाती है, कीटाणु नाशक होती है। सो आप तुलसी के पौधे को भी अपने घर के आसपास लगा सकते हैं, जिससे आपके घर के आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहेगा और आप मच्छरों से भी बच सकते हैं। तीसरा पौधा है दोस्तों पिपरमिंट का। इसकी खुशबू बहुत ही तेज होती है और इससे आप अपने घर के आसपास लगाकर मच्छरों से बच सकते हैं। चौथा पौधा है दोस्तों पुदीने का। अपने घर के आसपास लगा सकते हैं जिससे आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पांचवा पौधा है दोस्तों सिट्रनेला यानी कि लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की खुशबू नींबू की जैसी होती है जिसके कारण मच्छर आपके घर के आसपास नहीं आएंगे अगर आप ये पौधा अपने घर के आसपास लगाते हैं तो। छठा पौधा है दोस्तों नीम का पौधा जो कि वातावरण को भी शुद्ध करता है और कीटाणु नाशक भी होता है। तो इसका पौधा भी आप लगाएंगे अपने घर के आसपास तो आपके घर के आसपास मच्छर नहीं आएंगे। सातवां पौधा है दोस्तों लैवेंडर। लैवेंडर एक अच्छी खुशबू वाला पौधा होता है और इसके बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। इसे आप अपने घर के आसपास लगाएंगे तो जहाँ आपके घर के वातावरण की सुंदरता अच्छी बनेगी, साथ ही साथ आपके घर में मच्छर भी नहीं आएंगे। आठवां पौधा है दोस्तों रोजमेरी। रोजमेरी का फूल बैंगनी कलर का होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। साथ ही साथ रोजमेरी में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। तो इस तरह से आप रोजमेरी का पौधा भी लगाकर अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ मच्छरों से भी बच सकते हैं। सो फ्रेंड, जहाँ पर प्रॉब्लम नेचुरल होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नेचुरल होता है, पर हमें पता नहीं होता जिसके कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। सो गाइस, ये पौधे ऐसे हैं जो कि आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ कीटाणुओं को भी आपके घर से दूर रखेंगे। इन पौधों को लगाकर आप इनके औषधीय गुणों का भी लाभ उठा सकते हैं, अपने घर को मच्छरों से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने गार्डन को और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। सो इन प्लांट्स को लगाइए और मच्छरों से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।